जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे महिला अपराध, नहीं होती कोई सुनवाई। हमारे देश प्रदेश के शहरों में रहने वाले लोगों की जानमाल की सुरक्षा का बड़ा जिम्मा पुलिस के हाथ होता है। खासकर महिला अपराध पर पुलिस की जिम्मेदारी उस वक्त बढ़ जाती है जब कोई पीड़ित महिला पुलिस के आगे मदद की गुहार लगाने पुलिस थाने पहुंचती है, लेकिन उस पीड़ित महिला की थाने में कोई सुनवाई नहीं होती, जिससे वह पीड़ित महिला बड़े पुलिस अधिकारियों के यहाँ जाने को मजबूर हो जाती है, पर वहाँ भी उस पीड़ित महिला की सुनवाई नहीं होती, जिससे परेशान होकर वह आत्मदाह जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाती है। ऐसा ही कुछ मंजर है संस्कारधानी जबलपुर में, जहां पर पीड़ित महिलाएं जिले के साथ दूसरे जिले से आकर पुलिस के सामने मदद की गुहार लगा रही हैं, लेकिन उनकी फरियादी सुनने वाले पुलिस जिम्मेदार अधिकारी उन महिलाओं की फरियादी सुनने को तैयार नहीं है। बुलवा कोशिश कर लो, अगर मान लो अगर होता है बहुत बढ़िया रहेगा। रोगेश तिवारी, मेरे जेठ राकेश तिवारी, मेरी सास फूल तिवारी और मेरी नंद नीलम पांडे, ये मुझे आए दिन परेशान करती रहती है कि तुम यहाँ घर पे नहीं रहो, दहेज लेके आओ। मैंने उनको थोड़ा थोड़ा करके दहेज 15 लाख रुपए तक दे दिया, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, और घर से मुझे भगा देते हैं, मारपीट करके ना मुझे रख रहे हैं। 1.5 साल हो गया उन्हें कुछ, मैं मायके में डली हुई, परेशान हूँ, यहाँ वहाँ भटक रही हूँ, इस थाने से इस थाने, यहाँ वहाँ, और मेरे पास अब कोई चारा नहीं है मरने के अलावा। संजीवी नगर थाना में की थी, महिला थाने में की थी। सर इन पे कोई कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये पूरे कानून को तार बदलाव कर रहे हैं। दो दो शादी करके दो बीवियां रख के और एक को भगाना एक को रखना, क्या महिला एक उपयोग की वस्तु है क्या कि उसको उपयोग किया और उसको छोड़ दिया और उसके बच्चों को। मैं एसपी ऑफिस आई हुई हूँ, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मेरे पति के साथ मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया है, मेरे गृह सिंह परिहार ने, उप अमित परिहार ने, आयुष ठाकुर ने, सुशीला हिरवाल ने, सब लोगों ने मेरी बेटी के साथ गलत करा, मेरे पति के साथ गलत करा, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं था, इनने मेरी बेटी के साथ जाति करने की कोशिश करी, मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए मैं एसपी ऑफिस आई हूँ। ये बात तो बिल्कुल सही है कि आजकल आए दिन ऐसे केसेस हो रहे हैं, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, महिला वर्ग की बहुत समस्याएं हैं। थाने में सच में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आप देखते होंगे आए दिन एसपी ऑफिस में लोग आवेदन लेकर जाते हैं कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और कहने के लिए कहा जाता है कि महिलाओं के लिए हम एक से एक कानून बना रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हर महिला परेशान है, वो अकेली भटक रही है, कहीं एसपी ऑफिस के चक्कर काट रही है, पुलिस थाने जा रही है तो पुलिस वाले कहीं उससे प्रूफ मांग रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि घरेलू मामला है, पति मार रहा है तो ये कहते हैं कि पति को ये अधिकार है पत्नी को मार सकता है। मैंने खुद ये चीज़ें देखी हैं, मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ की। तो ये व्यवस्था बनाई जानी चाहिए थाने में कि अगर कोई महिला शिकायत लेके आ रही है, आप शांति से उसकी शिकायत सुने, क्या समस्या है, उसे यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, कहीं उसे सीएम हेल्पलाइन करनी पड़ रही है, कहीं यहाँ वहाँ, मतलब वो बहुत परेशान है, उनके साथ उनके बच्चे हैं, कुछ पढ़ी लिखी हैं, कुछ नहीं भी पढ़ी लिखी हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं थानों में होनी चाहिए। हमारे शहर में महिलाओं के लिए महिला थाना बना हुआ है, लेकिन महिलाएं वहाँ भी चक्कर काटती हैं और महिलाओं को वहाँ से कोई राहत नहीं मिलती, सिर्फ कहने के लिए वो महिला थाना है, कोई सुनवाई नहीं होती है वहाँ पर भी, महीनों चक्कर काटती हैं। यही रीज़न होते हैं कि महिलाएं फांसी लगा लेती हैं, आत्मदाह कर लेती हैं, और ये कहने की बात नहीं, हर रोज़ ऐसे केसेस सामने देखने को मिल रहे हैं। जी जी, अभी कुछ दिन पहले एसपी ऑफिस में एक महिला आ गई थी, वो 1.5-2 साल से यहाँ वहाँ भटक रही थी थानों में, उनकी सुनवाई नहीं हुई मजबूरी में, फिर उन्हें अपने ऊपर मिट्टी तेल डालना पड़ा, तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। मनीष पटेल नाम का लड़का है,
वो उसने मुझे झूठ बोलकर शादी किया, मेरे से धोखा दिया है, मुझे मारता पीटता है। मुझे जब पता चला कि वो शादीशुदा है तो मैं उससे अलग होना चाही, लेकिन मेरे को अलग होने नहीं दे रहा है, मेरे को मारने की धमकी दे रहा है। किसी तरह बच बचा के मैं अपने मम्मी पापा के पास गई तो मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है, मेरे मम्मी पापा को मारने की जान से धमकी दे रहा है, मेरे घर वाले। उस लड़के का नाम मनीष पटेल है, मेरी वो प्रोफेसर कॉलोनी में रहता है, वो रहने वाला लेकिन मैहर का है। लेकिन मेरी बस यही मांग है कि मुझे इंसाफ दिया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम थाने गए थे, लेकिन थाने में हम 15 दिन से, हम सिंगरौली से आके 15 दिन से परेशान है। 15 दिन से हमें माड़ोताल घुमाया जा रहा है, 15 दिन से हमें महिला थाने घुमाया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कब बस हमें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ बस घुमाया जाता है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैडम से हम FIR करने के लिए 15 दिन से बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी FIR नहीं हुई है। अब मेरा मेरे पति से विवाद चल रहा था कुछ सालों से, मतलब जब से मेरी शादी हुई 10 साल हो गए हैं। आए दिन मेरे साथ मारपीट की जाती थी, मेरी नंदे प्रतिभा लाड़िया, वंदना लाड़िया, मेरी सास और मेरे पति आए दिन मेरे साथ मारपीट करते थे। कुछ सालों से मैं हर बार थाने जाती थी, लेकिन मेरी कोई कार्यवाही नहीं की जाती थी, ये बोल के कि पारिवारिक मामला है, आप आपस में सुलझाइए। कई दिनों से सहते सहते जब मैं बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गई, अभी 3 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ, तो जो भी मैं मेरी सैलरी इनकम होती थी वो मैं मेरे पति के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती थी। 3 महीने से मैंने उनको कोई भी तनख्वाह नहीं दी, इस कारण से मेरी बहुत ज़्यादा घर में विवाद चल रहा था, लड़ाई हो रही थी और मुझे रोका जा रहा था कि तुम नौकरी करने नहीं जाओगी, मुझे परेशान किया जा रहा था। आए दिन मेरे साथ मारपीट की जा रही थी, मेरे पति आए दिन शराब पी के मेरे साथ मारपीट करते हैं और मेरा सामान घर से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता था कि निकल जा, तुझे जहाँ जाना है तो जा सकती है। ये थी आज की खबरें, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल